हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100% बाज़ार वाली हरी चटनी और मीठी चटनी की खास रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। इसे आप हर तरह के चाट में, भेल पकौड़ी या समोसों में, सभी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है इमली आधा कप, और यहाँ पर मैंने बिना बीज वाला लिया है। अगर आपके पास बीज वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर खजूर लिया है 75 ग्राम्स, इसमें से बीज निकाल देंगे। इन दोनों चीज़ को अब हम भिगा देंगे गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इमली को इस तरह से मसल के इसका जो पल्प होता है उसे निकाल लेना है। तो इस तरह से ये पल्प पूरा बन गया है। अब इसे एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो भी इसमें रेशे हैं वो अलग हो जाएंगे, या अगर आपके इमली में बीज है तो वो अलग हो जाएगा और जो भी जूस है, पल्प है, वो निकल जाएगा। लेकिन अभी भी छन्नी में जो है काफ़ी सारा पल्प है उसमें, तो हम इसे एक बार ग्राइंड करेंगे। जितना हो सकता है हम इसका पल्प यूज़ कर लेंगे। और छन्नी के बैक साइड में भी काफ़ी सारा पल्प होता है, तो उसे स्पून से आप स्क्रैप कर लें। अब यहाँ पे जो छन्नी में बचा हुआ था उसे मैंने एक मिक्सिंग जार में डाल दिया है। इसके साथ हम ऐड करेंगे भीगे हुए खजूर, और उसका जो पानी था वो भी हम ऐड कर देंगे, तो हमें पीसने में भी आसानी होगी। और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट हमारा बन चुका है। अब इसे हम उसी बर्तन में छानेंगे जिसमें हमें चटनी बनानी है। तो यहाँ इसे हम छान लेंगे। अगर आपको छानने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, जिससे कि ये जो पेस्ट है वो थोड़ा लिक्विडी सा हो जाए, तो आप बहुत ईजीली उसे छान पाएंगे। अब जो भी इसके बैक साइड में है पल्प उसे स्क्रैप कर लेंगे, और जो छन्नी में वेस्ट है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसी में ऐड कर देंगे हम इमली का पल्प जो हमने पहले निकाल के रखा था। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो भुने हुए जीरे का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, सौंठ पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1/4 टीस्पून, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनेगी। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 किलो गुड़। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, जिससे ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। इसके साथ ऐड करेंगे हम 2 ग्लास पानी, जो हमारे घर में नॉर्मल ग्लास होते हैं स्टील के, उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और सीधे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे, और हाई फ्लेम पर इसे हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाता है, इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये थिन कंसिस्टेंसी में, सिरप कंसिस्टेंसी में है, तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और ठीक होगा। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक स्टरलाइज जार लेंगे, उसमें भर देंगे, और फ्रिज में आप इसे स्टोर कर लें। यहाँ पर हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे, 1/2 चम्मच को हम एक चटनी वाले जार में डाल देंगे, या अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़े जार में आप ऐड कर लीजिए। इसके साथ ऐड करेंगे हम भुना हुआ चना 1 टेबल स्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने 1/2 लेमन का जूस लिया है, लगभग 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, काला नमक 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये गाढ़ा सा थिक पेस्ट बन जाए। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें आप नींबू ज़रूर डालें। नींबू डालने से क्या होता है, हमारी चटनी का रंग बिल्कुल हरा रहता है, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे उसके बाद भी इसका कलर चेंज नहीं होता है।
तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट हरी चटनी और मीठी चटनी रेडी है। आप इसे भी फ्रिज में स्टोर करके कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।